तो आज से राग का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला राग जो हम सीखने वाले हैं वो है राग यमन। अब राग यमन के और भी नाम हैं, वो कौन कौन से हैं? इसे राग यमन भी कहा जाता है, राग इमन भी कहा जाता है और राग कल्याण भी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कोई भी राग किसी न किसी थाट से मिलके बना होता है। उसी तरह राग यमन भी एक थाट से मिलके बना है। उस थाट का नाम क्या है? थाट कल्याण। और इस राग का नाम भी कल्याण है। अगर इन अदर वर्ड्स देखें तो इस राग के तीन नाम हैं, यमन, इमन और कल्याण। अब इसका नाम कल्याण क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर कोई राग अपने ठाट के सबसे करीब होता है तो उसका ठाट का जो नाम होता है वही राग का नाम रख दिया जाता है। यहां पे भी वही हुआ है, क्योंकि राग यमन ठाट कल्याण के सबसे करीब है, उसका आश्रय राग है, इसीलिए राग यमन को राग कल्याण भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं ठाट कल्याण क्या होता है। तो ठाट कल्याण की ये विशेषता होती है कि इसमें मध्यम मीन्स म अपने सेकेंड फॉर्म में लगता है, मीन्स तीव्र मध्यम का उपयोग होता है, और जो बाकी सभी स्वर होते हैं दैट इज शुद्ध होते हैं। मीन्स अगर मैं ठाट कल्याण की बात करता हूं तो इसमें मध्यम तीव्र लगेगा और जो रिमेनिंग स्वर है वो क्या लगेंगे? शुद्ध लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि राग यमन में भी मध्यम तीव्र लगेगा और जो बाकी स्वर हैं वो शुद्ध लगेंगे। तो बाकी स्वर कौन कौन से हैं? सारे ग प ध नी, करेक्ट, फिर से सा, सारे ग म प ध नी, इसमें से मध्यम तीव्र और बाकी स्वर शुद्ध फॉर्म में लगेंगे। अब सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। कोई भी राग किसी न किसी ठाट से उत्पन्न होता है, उस राग की अपनी एक जाति होती है। अब राग की जाति क्या होती है? तो राग में लगने वाले स्वरों के हिसाब से राग की जाति निर्धारित होती है। तो राग यमन की जाति क्या है? संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब होता है कि इस राग में सातों स्वर लगेंगे, मीन्स कोई भी स्वर इस राग में वर्जित नहीं है। आरोह में और अवरोह में सातों स्वर लगने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण कहलाएगी। अब जो अगला पार्ट आता है वो है राग का वादी संवादी। जैसा कि हमने जो पहले के लेक्चर थे उसमें डिस्कस किया था कि वादी वो स्वर होता है जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, जिसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है किसी राग में, वो स्वर वादी होता है। तो राग यमन में वादी कौन सा स्वर है? गांधार। और संवादी कौन सा स्वर है? निषाद अर्थात नी। तो ग इसमें वादी हुआ और नी इसमें संवादी हुआ। अगले लेक्चर में जब मैं इस राग का विस्तार करूंगा तो हम प्रैक्टिकली जान पाएंगे कि वादी और संवादी कैसे यूज हो रहा है, कैसे वादी जिसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है वो प्रैक्टिकली समझ आएगा कि ग को हम कितना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और नी को हम कितना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब इस राग में जो अगला पार्ट होता है वो है आरोह अवरोह। आरोह का अर्थ क्या हुआ? असेंडिंग ऑर्डर। अवरोह क्या हुआ? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये राग कल्याण ठाट से आया है और इसमें म तीव्र है तो आरोह क्या होना चाहिए? देखिए, सारे का मा
मा तीव्र है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये इसका आरोह हो गया। अवरोह क्या होगा? सा नी धा पा मा गा रे सा। तो अगर हम कंसेप्चुअली देखें तो सारे गा जो अभी मैंने गाया ये राग यमन का आरोह अवरोह होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतभेद है। मतभेद कैसा है? जब ये राग स्टार्ट होता है तो इसको सा से स्टार्ट ना करके हम नी से स्टार्ट करते हैं। तो जब मीन्स सा को मैं स्टार्टिंग में ऑमिट कर देता हूं, छोड़ देता हूं, तो ये कैसे साउंड करता है देखिए। अब ये राग कैसे साउंड करेगा? नी रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब क्या होता है, जो विद्वानों ने क्या कहा है, बहुत सारे शास्त्रों में ये लिखा है कि जैसे आपने सा को ऑमिट किया, सा को छोड़ा आरोह में, वैसे ही आप प को भी छोड़िए। तो इसीलिए आरोह में सा और प को दोनों को छोड़ दिया जाता है तो यमन और दूसरे फॉर्म में पैदा होता है, जो ओरिजिनल यमन है, जो मोस्टली जो आजकल सिंगिंग में यूज होता है, वो कैसे साउंड करता है देखिए। अब यहां पे मैं सा को भी ओमिट करूंगा और प को भी ओमिट करूंगा, तो वो कैसे साउंड करेगा? लेकिन क्योंकि मैं सभी स्वरों को अलग अलग यूज कर रहा हूं, इसीलिए ये एक राग टाइप से इसमें फील नहीं आ रहा है। मीन्स राग अर्थात इसमें रस आना चाहिए। रस कब आएगा? जब मैं जो आपस में स्वरों को बात कर पाऊंगा। जैसे जैसे अभी मैं क्या किया, नी रे गा मा धा नी सा, ऐसे राग साउंड नहीं करता। राग को अगर ओरिजिनल वे में साउंड करना है तो वो कैसे साउंड करेगा? अब मैं आपको एग्जैक्ट आरोह अवरोह राग यमन का बता रहा हूं, वो कैसे आएगा देखिए। मेरे कामा धानी सा सानी धापा मांगा। तो यहां पे क्या हुआ, नीरे गा, जब मैं रे लेता हूं तो मैं ग को टच करके आता हूं, ग को लेता नहीं हूं लेकिन उसको उसके कण को लेके आता हूं। तो ग यहां पे क्या हुआ, कर्ण स्वर हुआ। देखिए नीरे गरे नीरे गा नी गरे गा मा धा नी धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। अब यहां पे क्या किया मैंने, मा गा पा रे सा, तो ये जो कर्ण लगा गारी, इसको बोलते हैं कल्याणवाचक। मीन्स राग जो ठाट कल्याण का ये मेन पार्ट है। अगर मैं पारी सा ये अगर करता हूं, इसका मतलब ये जो राग है ये कल्याण ठाट पे बेस है। अब ये तो हुआ आरोह अवरोह। अब जो अगला पार्ट आता है वो किसी राग में पकड़। पकड़ क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर स्वर समूह को मैं लेता हूं तो उस स्वर समूह से अगर उसको गाने मात्र से समझ आ जाता है कि ये राग यमन है या ये राग अमुख राग है, तो उसको राग की पकड़ कहते हैं। अब राग यमन का पकड़ क्या है, क्योंकि इसमें गांधारवादी है
तो अब देखिए इसका पकड़ कैसे बनेगा। मेरे गारी सा, गा और नी, क्योंकि वादी और संवादी है तो गा और नी को यहां पे न्यास के स्वर भी कहलाएंगे। न्यास का अर्थ क्या होता है? जहां पे मैं रुकता हूं, जैसे मेरे गा, तो ग यहां पे क्योंकि वादी है, ग को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है मैंने, तो ग पे मैं हॉल्ट किया हूं, रुका हूं। तो इस राग का पकड़ क्या है देखिए, ने रे गा रे सा पा मा गा रे धनी रे सा। तो ये हो गया राग का पकड़। अब जो अगला पार्ट है वो ये है कि राग यमन के सबसे करीब में कौन सा राग है। तो राग यमन के सबसे करीब का जो राग है उसका नाम है यमन कल्याण। यमन कल्याण और राग यमन में डिफरेंस क्या है? राग यमन में मध्यम मैं केवल तीव्र फॉर्म में लेता हूं, मीन्स कल्याण ठाट की विशेषता, मध्यम केवल तीव्र लगेगा। लेकिन राग यमन कल्याण में मध्यम तीव्र लगने के साथ साथ कहीं ना कहीं मैं शुद्ध मध्यम का भी उपयोग करता हूं। इसीलिए ये जो बेसिक डिफरेंस है राग यमन और राग यमन कल्याण में। तो ये थोड़ा सा बेसिक और थ्योरी पार्ट आज के लेक्चर में हमने कवर किया। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि राग का विस्तार, राग यमन को हम विस्तार करके देखेंगे। विस्तार मीन्स अलग अलग स्वर संगतियां जिसको आप घंटों प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं राग यमन का विस्तार बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस राग के बेस्ड बॉलीवुड सॉन्ग कौन कौन से हैं। विस्तार के साथ साथ आपको समझ आएगा, कहीं ना कहीं आपको फील करेगा कि ये गाना इस टाइप से साउंड कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि राग का विस्तार क्या है और उससे रिलेटेड कुछ गाने देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं मेरे नए लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।